तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? ट्रेन के किसी डिब्बे के किनारे ये पीले या सफ़ेद रंग की पट्टियाँ क्यों बनाई जाती हैं? अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। रेलवे ट्रैक पर या किनारों पर पत्थर इसलिए बिछाए जाते हैं क्योंकि ये पत्थर सीमेंट के बने इन लंबे लंबे स्लीपर्स को एक जगह पर फिक्स रखती हैं और ये स्लीपर्स इस लोहे के बने पटरी को होल्ड रखती हैं। दोस्तों एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोग्राम होता है, तो आप सोच ही सकते हैं कि एक लोहे का बना हुआ पतला सा ट्रैक इसे नहीं संभाल पाएगा। एक ट्रेन को संभालने में इस लोहे का और कंक्रीट के बने इस स्लीपर्स और इन पत्थरों का सबका योगदान होता है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोड इन पत्थरों पर ही जाता है, स्पेशली नुकीले और रफ पत्थर प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि आपस में पकड़ बनी रहे और वाइब्रेशन कम हो। इन पत्थरों को बिछाने का एक और कारण भी है कि रेलवे ट्रैक या इसके किनारों पर घास पेड़ पौधे ना उगें और बारिश के समय में मिट्टी कटान ना हो। दोस्तों हमारे इंडियन रेलवे में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत सी विशेष प्रकार के सिंबल्स या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इन सब सिंबल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हर किसी व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत ना हो, बस इस सिंबल्स को देखकर हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेल के कोच में भी विशेष प्रकार का सिंबल का यूज किया जाता है। दोस्तों ब्लू ICF कोच पर कोच के आखिरी में खिड़की के ऊपर पीले या सफ़ेद रंग के लाइनें लगाई जाती हैं जो कि वास्तव में इस कोच को अन्य कोच से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो जनरल कोच को इंडिकेट करता है। दोस्तों जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि जनरल कोच कौन सा है, वैसे लोग इन पीले या सफ़ेद रंग की पट्टी को देखकर आसानी से समझ सके कि यही जनरल कोच है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।